नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री में नए दो टॉपिक, मोलरता और मोललता, जिनमें से पहले पढ़ेंगे मोलरता। तो समझते आइए मोलरता होगी क्या। मोलरता होगी कोई भी विलयन है, उस विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की जो कुल संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी मोलरता कहलाएगी। क्या कहा मैंने, निश्चित ताप पर किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहां पे मोलरता क्या है, दो काम के शब्द हैं। कौन कौन सा, कि एक तो जो विलयन है, विलयन कितना होना चाहिए, एक लीटर होना चाहिए, कि विलयन के एक लीटर में विलेय के कितने मोल हैं जो हमें यह बता देगा वही क्या कहलाएगी, उसकी मोलरता कहलाएगी। प्रदर्शित किससे करेंगे इसको, प्रदर्शित करेंगे भाई कैपिटल एम से। तो फॉर्मूला लिख दे रहा बेटा मैं यहां पे, तो फॉर्मूला होगा कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, और आयतन किस में होगा भाई, यहां पे लीटर में, आयतन लीटर में होना चाहिए। विलेय के मोलों की संख्या का भी एक फॉर्मूला होगा, विलेय के मोलों की संख्या, तो भाई मोलों की संख्या का फॉर्मूला है बेटा भार बटे अणुभार। तो यानी जो भी विलेय देगा उसका भार, और अपॉन में क्या लिख देंगे, अणुभार। अब देखो हमें जो पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में, कैसा विलयन है भाई, द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी विलयन ही हमें पढ़ने हैं। यानी द्विअंगी विलयन किसमें, जिसमें केवल एक विलायक हो और एक विलेय हो। मैं मान रहा मेरे पास एक द्विअंगी विलयन है जिसमें विलायक ए है और विलेय बी है। तो यहां पे जो विलेय का भार है वो मैं मान रहा भाई कि विलेय का भार है डब्ल्यू बी, और विलेय का जो अणुभार है वो है एम बी। इसके बाद जो विलेय की मोलों की संख्या है उसको मान ले रहा मैं एन बी। मतलब जो विलेय के मोलों की संख्या होगी वो क्या, एन बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। जहां एन बी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार है, और एम बी क्या है, विलेय का अणुभार है। इस फॉर्मूले को यहां पे पुट कर दे रहा मैं, यानी एम बराबर, अब हमारा जो सरल रूप होगा मोलरता का वो आ जाएगा बेटा एम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। अगर विलयन का आयतन वी मान लिया जाए और ये वी लीटर में है, अगर उसने लीटर में ना देखे हमें किसमें, मिल लीटर में दे, तो डिवाइड बाई किससे कर देगा, 1000 से। यानी यहां से आ जाएगा आपके पास एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी, या एम बी निकालना हो हमें यहां से, तो आ जाएगा एम बी बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम इंटू वी। देख ले एक बार क्या क्या होगा यहां पे, जहां पे एम बी क्या होगा भाई, विलेय का अणुभार होगा, एम बी विलेय का अणुभार, डब्ल्यू बी विलेय का भार, 1000 मिलीलीटर को जो लीटर में चेंज किया वहां से आया, एम विलयन की मोलरता होगी, और वी क्या होगा, विलयन का आयतन होगा, और आयतन किसमें भाई, अगर मिलीलीटर में होगा तो 1000 आएगा। अब क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन देगा वो किस टाइप से, हमें क्वेश्चन देगा मान लिया वो, उसने कह दिया हमसे कि कोई विलयन है, मान लिया यहां पे दे दिया उसने कि 90 ग्राम पानी, सॉरी 90 ग्राम चीनी, 500 ml
पानी में घोली गई है तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन है, फिर से पढ़ दे रहा एक बार। 90 ग्राम चीनी को 500 ml पानी में घोला गया है तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या भाई, ये वाला। तो फॉर्मूला है हमारे पास भाई m बराबर wb। wb क्या है भाई यहाँ पे, 90 ग्राम यानी कि विलय का भार। तो 90 यहां से लिख दिया मैंने भाई। इसके बाद चूंकि उसने यहाँ पे देखो विलयन का जो आयतन दिया मिलीलीटर में दिया, तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पे हमें 1000 का यूज करना पड़ेगा अपॉन। इसके बाद mb चीनी का अणुभार, तो अणुभार कहां से निकलेगा भाई, ये निकलेगा इसके फॉर्मूले से। चीनी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, C12H22O11। तो 12 × 12 + 22 × 1 + 11 × 16। तो भाई जोड़ लो इनको, 144 + 22 + 176। तो 6 × 2 = 4 = 12 + 7 × 2 = 4 = 13 + 14 = 342। यानी यहां से आई भाई हमारे पास एमबी की वैल्यू आई 342 और गुना 500। डिवाइड करेंगे आप, यहां से 2 आ जाएगा, तो ऐसा जाएगा आपके पास 9 × 2 = 18, 180/342। डिवाइड कर लो भाई, किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 से, 3 × 6 = 18, और भाई 3 से यहाँ तक कटिंग, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 12 यानी 60/114। एम की वैल्यू है हमारे पास, फिर 2 से काट दे रहे यहाँ से, 30/2 × 10 भाई 2 × 7 = 14, फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ से जाएगा 10, 3 × 3 और 3 × 27 यानी 10/19। ये क्या होगी इसके भाई, मोलरता होगी। मोल प्रति लीटर। एक बात याद रखेंगे हमेशा कि जो मोलरता का मात्रक होगा यानी इसकी यूनिट क्या होगी, तो मोलरता का मात्रक होगा बेटा मोल प्रति लीटर। इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर। तो तीनों तरीके से इनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मोललता। जैसा कि नाम में लग रहा है कि भाई मोलरता और मोललता डेफिनेशन में बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर समझे भाई, मोलरता में क्या था, मोलरता में था कि 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या की जो गणना थी वही क्या कहलाती, मोलरता कहलाती। यहाँ पे विलयन 1 लीटर न होकर यहाँ पे हम किसका कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे विलायक का, कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाएगी, उसकी मोललता कहलाएगी। लिख दे रहा मैं डेफिनेशन, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m भाई मोलरता को रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, हम कैपिटल m से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल m से। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, एज इट इज जैसे मोलरता का था, मोलरता का था वहां पे कैपिटल m बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन वहां पे था विलयन का आयतन। जहां पे मोलरता की बात करें, यहां पे किसकी बात करें, मोललता की बात करें, तो मोललता में क्या आ जाएगा, मोललता में आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान किसमें भाई, द्रव्यमान होगा बेटा यहां से किलोग्राम में। इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा भाई मैं। फॉर्मूला सेम है, कैसा, विलय के मोलों की संख्या निकालने का प्रोसेस यहां पे भी सेम होगा, क्या भार बटे अणुभार। तो देखो इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी, यानी इसकी मोललता का मात्रक। मोलरता का मात्रक था मोल प्रति लीटर, क्योंकि यहां पे विलयन का आयतन लीटर में होता, लेकिन यहां पे क्या है, विलायक का द्रव्यमान।
तो इसका मात्रक हो जाएगा भाई मोल प्रति किलोग्राम, या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकेंगे मोल किलोग्राम इनवर्स। तो क्या है, दोनों एक ही बात है, लिखने का तरीका अलग अलग है। अब क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन किस टाइप से देगा वो, तो देखो यहां पे मतलब उसने काम से 117 ग्राम नमक, 117 ग्राम नमक 500 ग्राम जल में घोला गया है, 117 ग्राम नमक 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन, तो प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा मैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा 117 ग्राम नमक 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला पहले हमें याद होना चाहिए भाई, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बेटा m बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। तो फॉर्मूला पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा यहां से मुझे विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या, तो भी लिखे थे भाई विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था बेटा भार बटे अणुभार। अब यहां पे इसने नमक कहा, नमक कितना 117 ग्राम, यानी भार कितना होगा बेटा 117, अणुभार नमक का फॉर्मूला होगा NaCl। अब Na कितना बेटा 23, क्लोरीन कितना भाई 35.5, दोनों को ऐड करोगे तो कितना जाएगा 58.5, यानी अणुभार आ गया हमारे पास 58.5। यानी यहां से विलय के मूलक संख्या आप डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, विलय के मूलक संख्या आगे 58.5 को जब 58.5 से जब डिवाइड करेंगे 17 को तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, तो विलय के मूलक संख्या ही 2। लेकिन अभी आंसर नहीं आया भाई, ये केवल हमारी विलय के मूलक संख्या है, मोललता, मोललता का फॉर्मूला है विलय के मूलों की संख्या, जो कि हमारे पास कितने हैं 2 अपॉन विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। लेकिन यहां पे इसने किसमें दिया भाई, यहां पे इसने दिया ग्राम में, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 500, और जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें तो किससे डिवाइड करेंगे भाई 1000 से, इस 500 से इसको काट देंगे तो कितना जाएगा 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से मोललता कितनी आ जाएगी, मोललता जाएगी 4, और मात्रक क्या होगा इसका, मोल प्रति किलोग्राम। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकेंगे, किसी भी विलयन की मोललता निकाल सकेंगे। कई बार क्या करेगा वो यहां से हमसे विलय का भार पूछ लेगा, तो विलय का भार पूछ लेगा, मोललता दे देगा, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ आए होंगे भाई, मोललता और मोलरता। तो ऐसे रेगुलर क्लास पाने के लिए नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।